लोग और जो 96 में ये जो फल मार्केट जो है ये लालू जी द्वारा जो स्थापित किया गया था बनाया गया था उद्घाटन किया गया था लाइक एक अखबार में छपा था जी इसको तोड़ने की खबर आई दो बार लगातार दो दिन अखबार में छपा एक दिन 18 तारीख हमारा सवाल ये है ये सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से सभी फल मार्केट को बसाने का काम किया गया था जो गरीब के बच्चे हैं किसान के बच्चे हैं जो रोटी रोटी करके अपना व्यवसाय चलाने का काम करते हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइज दुकान बनाया गया था उसको तोड़ने की खबर जो है अखबार में एक मिनट किसी को एक भी नोटिस जो है माइक चेक रहा है लेकिन आई हम लोगों को यार ऐसा समझ गया ना भाषा गर्म हो रहा है बढ़ाए हुए हैं हाँ सोच जाओ ठीक रहेगा माता तुम लोग का कोई मतलब नहीं बनता कोई नोटिस तो सरकार द्वारा देनी चाहिए लेकिन सरकार द्वारा कोई नोटिस नहीं हम लोग लगातार जो कहते रहे हैं कि मौखिक आदेश पे ये पूरी कार्रवाई की जा रही है कोई तो आदेश होना चाहिए आज हमारा प्रतिनिधिमंडल सभी चाहे फल मार्केट हो चाहे मछली मार्केट हो चाहे सब्जी मार्केट हो चाहे स्लम एरिया का लोग या दूध मार्केट के लोग हों सभी लोगों के साथ जो है कमिश्नर से हमने अपॉइंटमेंट हमारे दल के लोगों ने लिया है और वो वहाँ मौजूद हैं सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर गरीबों के पेट पे लात क्यों मारा जा रहा है किस कारण मारा जा रहा है किसके आदेश पे मारा जा रहा है हम किसी भी सरकारी कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे लेकिन जो जायज और नियमानुसार कार्रवाई हो वो होना चाहिए ना कोई जायज कार्रवाई की जा रही है ना कोई नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है अतिक्रमण को लेकर के तो आप और हम सब लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट ने पहले बोला कि इनको विस्थापित किया जाए कहीं और मतलब इस इन सभी लोगों के लिए अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो विकल्प पे कोई जगह पे इन सबको सेटल किया जाए उसके बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए और नोटिस दिया जाए अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो सरकार ना तो नोटिस दे रही है ना इन सभी लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है अचानक से आता है तोड़ने लगता है तो आखिर रोजी रोटी कमाने वाले लोग आखिर कहाँ जाएंगे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन एक सवाल आपसे बनता है जेडीयू आपसे ये जानना चाह रहे हैं आप सियासत कर रहे हैं गरीबों से कोई लेना देना बाढ़ के समय कहाँ थे चमकी बुखार हम तो नहीं गए थे इनके पास सर सामने देखे आप पूछे यही लोग हमारे पास आए थे और हमारा तो काम है अगर हमारे पास कोई आएगा इंसाफ मांगे तो हम तो उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे हम बताइए जो लोग भी बहस कर ले आकर के हम तो रात भर बैठे रह गए आदेश कोई नहीं दिखा पाया किसका आदेश था और हम अगर गलत होते तो सरकार ने लिखित तौर पे आश्वासन क्यों दिया फिर अगर ये तोड़ने की कोशिश अगर हम गलत थे तो सरकार ने आश्वासन लिखित रूप से क्यों दिया ये जवाब है हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे और हम तो देखिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं सरकार से समस्या जानना चाहते हैं और ये जो प्रॉब्लम जो हो उसका समाधान चाह रहे हैं इसलिए हमने प्रतिनिधि मंडल जो है कमिश्नर से मिलने के लिए भेजा है और सभी लोग कहें आखिर जाने तो किस प्रावधान या किसके आदेश से किसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है ये एक्सप्लेनेशन तो सरकार को देना पड़ेगा ना कि आप डंडा उठाएं और रात में दुकान तोड़ते हुए चले जाएं और खास तौर पर सरकारी संपत्ति को तोड़ते चले जाएं जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं जिनका वहाँ तो फल वाल कुछ बचेगा ये जो लाए दुकान का कुछ चीज नहीं बचता अचानक से आप इनसे बात कीजिए कि हुआ क्या है सबका साथ सबका विकास करती है चलिए सरकार करती है सबका साथ सबका विकास करती है आप लोग बताइए दुकान वाले हटो यार तुम लोग इधर सर हमारा सर को पेपर में आया था कोई नोटिस आया बताओ कोई नोटिस नहीं आया
कोई नोटिस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है लोग? कब बना था, कौन बनवाया था, सरकारी है बताओ सब? अलॉटमेंट लाइसेंस है तुम लोगों के पास? बताओ, एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो। नीतीश कुमार बोले थे कि सर लेकिन तेजस्वी जी सवाल एक है, जेडीयू ये सवाल उठा रही है कि आप लोग को कोई काम नहीं है, सरकार अगर हम तो पूछते 17 दिन कहाँ थे मुख्यमंत्री, हम तो पूछते मंगल पांडे कहाँ थे, हम तो पूछते प्रधानमंत्री कहाँ थे, बाढ़ आने के बाद भी कहाँ गए, बिहार में 39 सीट जीत करके गए, कहाँ थे भाई? उनका तो जवाब देना पड़ेगा ना। 17 दिन बाद जो है मुख्यमंत्री जागते हैं, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। और लगातार जो है हम कहाँ थे नहीं थे, इतने साल हम जहाँ भी थे हमारी नज़र तो लोगों के समस्याओं पर रही है, हमारी पार्टी जो है खड़ी रही है। लेकिन ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चमकी बुखार से मारे गए बच्चे का जिम्मेदार कौन है, बाढ़ के तबाही से और उनको अब जब मुआवजा नहीं मिल रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है? क्या गरीबों पर, चाहे जो सब्जी बेचने वाले लोग हों, फल बेचने वाले लोग हों, दूध बेचने वाले लोग हों, उन पे गलत कार्रवाई की जा रही है, उनका घर और रोजी रोटी छीना जा रहा है, तो सरकार कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब किसके पास है? सरकार देखिए घबराए या ना घबराए, उनके पास कभी भी बोलने के लिए कुछ नहीं होता। सवाल खड़ा किया गया है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए, और सरकार के पास जब जवाब नहीं होता है तो वो कहाँ थे, फलना कहाँ थे, चिल्ला कहाँ थे, इससे नहीं होने वाला है। आप बताइए, नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री ने शराब बंदी के बाद क्या कहा था कि हम दूध दही की बिक्री तेज करवाएंगे, मार्केट ही खत्म कर दिया। शराब का बिक्री बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो शराब जो है खुलेआम मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो इसमें तो हमको कुछ कहना नहीं है। मुख्यमंत्री अपने ही वचन पे कायम नहीं है, अब डेलीगेशन जो आएगा उसके बाद देखते हैं सरकार का क्या जवाब है। नहीं होगा तो हम लोग जो है गवर्नर से मिलेंगे, और गवर्नर साहब नए हैं, उनका स्वागत है बिहार में, और हम लोग को की उम्मीद है कि गवर्नर साहब जो हैं सरकार के गलत कामों को सुधारने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि सरकार 3 तरह की बातें कर रही है, सरकार ही कंफ्यूज है, कोई आदेश होगा, कोई नोटिस होगा, पहले कहती है कि हाईकोर्ट का आदेश है, फिर कहती है स्मार्ट सिटी बनाना है, फिर कहती है कि मिलावटी चीज जो है वो उसकी बिक्री हो रही थी। सरकार ही पहले स्पष्ट हो लेना, इनके पेट पे लात मारने से पहले इनको व्यवस्थित इनको करना चाहिए था, नोटिस तो भेजते, या हम तो मांग रहे आप सरकार से बोलो ना, मौखिक पे मत जाइए, वो क्या बोलते हैं उस पर ना, कागज मांगिए, सबूत मांगिए कि किसके तहत, किसके आदेश पर, कौन से नियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी सर तो क्या कीजिएगा आप लोग आगे? अब आप लोगों का साथ लेंगे, चाहेंगे कि आप लोग साथ दें, जनता का साथ लेंगे कि ये जो गुड़ी बहरी सरकार जो है इसको होश में लाया जाए, इनको सही राह दिखाया जाए कि आपको जनता ने वोट दिया था गरीबों के लिए काम करने के लिए, ना कि इनको उजाड़ने के लिए, ना इनको हटाने के लिए। चलिए, ये थे तेजस्वी यादव जो कि इनकम टैक्स से गोलंबर पर आए हैं। दरअसल एक खबर आई, इनको नोटिस दिया गया है फल दुकानदारों को कि आपकी दुकानें तोड़ दी जाएगी, इसलिए दुकानें खाली कर दी जाए। यही वजह है कि तेजस्वी यादव आए थे, दुकानदारों से उन्होंने मुलाकात किया और साफ किया है कि दुकानदारों से कहा है कि आप लोग हिम्मत हौसला मत हारिए, हम आपके साथ हैं, दुकानें टूटने दे देंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव दाब पी रहे हैं सड़क किनारे, ये दाब पी रहे हैं तेजस्वी यादव और लगातार फल दुकानदारों से मिल रहे हैं। गरीब किसान का बच्चा कहाँ जाएगा अगर ये नहीं बेचेंगे तो? पूछे ये कहाँ जाएंगे, इनका बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? आप पूछिए इनसे, पूछिए। और किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की।
40 में से 39 सीट भाजपा को, नीतीश जी को, जिम्मेदारी उनको, उनको राजा बना दिया गया। किस लिए? इनके लिए सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, इनकी तरक्की के लिए। लेकिन उल्टा विनाश हो रहा, इनको उजाड़ा जा रहा है। तो इसका जवाब तो ये, इनसे पूछे कहाँ जाएंगे? न सरकारी नौकरी है, न शिक्षा व्यवस्था है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, कहाँ इस लोग जाएगा मरने? इसका सवाल का जवाब इसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप भी जान रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे ही मर जाएगा लोग, बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? तो हम तो मानते हैं कि जब तक आपका भविष्य के लिए आपको काम करना चाहिए। जब बच्चे कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का नाम पे कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के नाम पे कर रहे हैं या मिलावटी के नाम पे कर रहे हैं, कागज मांगो ना, कौन से नियम के तहत भाई? और हाईकोर्ट का भी ये आदेश है, अगर आप हाईकोर्ट पे न्यायालय पे विश्वास करते हो तो पहले नोटिस देना चाहिए। कोई नोटिस नहीं आया, नोटिस देने के बाद इनके लिए अलग व्यवस्था करानी चाहिए, फिर कार्रवाई करो। कौन रोका है? हम तो साथ देंगे। लेकिन स्मार्ट क्या, 6 साल हो गया स्मार्टेस्ट सिटी सुन रहे हैं, कौन से स्मार्ट सिटी बन गया पट्टा में बताइए? तो खाली बड़े बड़े लोगों को ठेका दिया जा रहा है, उसमें कमीशन में कमाई की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है अमीरों का काम कर रही है, गरीबों का कोई काम नहीं कर रही। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है।